हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टर कितने दिन में खुलता है या प्लास्टर कितने दिन में कटता है, आज के इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर ऑलरेडी कर रखे हैं, वो वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन जनरली वह प्लास्टर कितने दिन में खुलता है, प्लास्टर की अवधि क्या होती है, कितनी होती है। तो फ्रेंड, आमतौर पर आपको बता दूँ, एक प्लास्टर सामान्यतः 7 से 15 दिन तक लगाया जाता है, जो कि एक कच्चा प्लास्टर हो सकता है, और आपको 30 से 45 दिन या 50 दिन का प्लास्टर जो है पक्का लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर फ्रैक्चर होता है तो डिपेंड करता है आपके फ्रैक्चर पे, कैसा फ्रैक्चर है और कौन सा प्लास्टर आपको लगाया गया है, उसके हिसाब से ही समय सीमा होती है। लेकिन जनरली फ्रेंड्स, जो प्लास्टर होता है 15 दिन का, यानी कच्चा प्लास्टर 15 दिन तक लगा सकते हैं, और जो 45 दिन का जो है आपको पक्का प्लास्टर आपको डॉक्टर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई फ्रैक्चर होता है तो दोनों में यही रहता है। अब मैंने इससे अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों का था, जो कि मैंने आपको बहुत कम शब्दों में, बहुत शॉर्ट शब्दों में मैंने आपको बताया है, क्योंकि बहुत लोगों के डाउट थे। तो आई बटन पर आप उन वीडियो को देखें कि हड्डी कितने दिन में जुड़ती है, हड्डी ना जुड़े तो क्या करें, हड्डी जुड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या फिर आप हड्डी कैसे जुड़ती है, ये सारे सवाल जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं वो ऑलरेडी मैंने कवर तो कर लिए हैं। अगर फिर भी नहीं हो तो आप आई बटन पर वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना, और आई बटन पे और एंड स्क्रीन कार्ड के बाद जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, इन पे आके आप प्रेस से बात भी अवश्य कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।